अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे यूट्यूबर फैमिली को, मेरे सारे व्यूवर्स को बकरीद की मुबारक हो। आप सबको बकरीद मुबारक। आज बकरीद का दिन है, हम लोग आज बकरीद पे एक व्लॉग बनाएंगे। हम लोग आज जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सारी एक्टिविटी आप लोगों से शेयर करेंगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखें। आज हम लोग रात में वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारी वीडियोज़ को पूरा देखिएगा। और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे व्यूवर्स है सब्सक्राइबर है हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हमें खूब सारा प्यार दे और हमारी वीडियोस को पूरा देखे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आज आपसे मिलते हैं कंटिन्यू वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। तो गाइस देख सकते हैं सरहाना इधर दोनों रेडी हो गए नमाज के जाने के लिए, हमारे पापा भी हैं। सरहान चलो अब्बा के साथ। ये मेरे कोरिया में परसों मैंने नाइन आइट में इसको साफ किया था, अभी लाइट चालू नहीं किया, लाइट चालू कर दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग नमाज के लिए निकलने वाले हैं। आप हमारा घर देख सकते हैं, तो अभी मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ बच्चों को लेके फ्रेंड्स। तो फिर अभी हम लोग वीडियो पे कंटिन्यू आपसे बने रहते हैं, और आप भी हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और आज हम लोग बकरीद में जो जो एक्टिविटी करेंगे वो जरूर इस वीडियो में डालेंगे, तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को पूरा देखें और हमारे वीडियोज़ को पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं। सरान बकरे का वीडियो ले लेंगे थोड़ा सा, क्या अपलोड करेंगे ना? कोई बात नहीं यार। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा बकरा, पापा ने हमारे परचेज किया था। आई था बेटा, ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक, अच्छे से बोलो सरहान। चलो जल्दी ईद मुबारक बोल दो, हमारे सारे व्यूवर्स को ईद मुबारक बोलो। ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। और कुछ अपने मैसेज दो सबको। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये बकरा अब जाने वाला है। चलो कोई बात नहीं, ये तो बेटा फेस्टिवल है ना बेटा। ओके गाइस, तो अभी हम लोग चलते हैं नमाज के लिए, फिर आपसे वीडियो में कंटिन्यू बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली आम बगान ईदगाह मैदान में नमाज ख़त्म हो चुकी है बकरीद की। हमारे बच्चे सहान, आयजा और यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी नमाज के वक्त में। ईदगाह मैदान है यहाँ, कल बहुत गंदा था बट लड़कों ने यहाँ के साफ़ सफाई करके मैदान को बहुत जल्दी रेडी किया नमाज के लिए कल रात में ही। आप देख सकते हैं नज़ारा यहाँ का आम बगान मैदान का। ये आम बगान मस्जिद है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी भी लोग खस्सी बेच रहे हैं, बहुत से लोग अभी भी खस्सी परचेज करेंगे। ये लोग यहाँ के लोकल नहीं है, आउटसाइड जमशेदपुर के हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली नमाज ख़त्म हो चुकी है, हम लोगों ने थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाया आम बगान मैदान का। भीड़ कम हो गई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो वीडियो मैं नहीं बना सका था, बट नमाज यहीं अदा हुई है ईदगाह की, ईदगाह में आम बगान में। तो अब हम लोग यहाँ से बच्चों के साथ आयजा और सरहान, अभी दोनों ने नमाज अदा कर ली है, आयजा ने भी नमाज़ पढ़ी। तो अब हम लोग फाइनली अपने घर जा रहे हैं, घर जाके अपनी वाइफ को, अपने पापा को, सबको ईद मुबारक बोलेंगे, सबसे गले मिलेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कुर्बानी होगी खस्सी की। तो आज हम आपसे जो भी वीडियोस पूरी कंप्लीट आज फुल डे वीडियो शेयर करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे साथ वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम लोग घर की तरफ। तो गाइज अभी थोड़ा गाड़ी वॉश करवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट दो से तीन दिन यहाँ बहुत बारिश हुई है जमशेदपुर में, तो गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी। अब फेस्टिवल में थोड़ा गाड़ी गंदी है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो गाड़ी वॉश हो जाएगी, 10-15 मिनट मुश्किल से टाइम लगेगा। तो बच्चे अभी 5-10 मिनट यहाँ बैठेंगे, फिर हम लोग सीधा घर जाएंगे, घर में सबसे मिलेंगे, ईद मुबारक सबको कहेंगे, गले मिलेंगे, और आप लोग ही हमारे वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहें। तो फ्रेंड्स अभी नमाज़ पढ़ के हम लोग घर आ गए हैं, अभी मेरी वाइफ हम लोगों को शीर कुरमा और दही बड़ा ला के देगी। अभी कुर्बानी हुई नहीं, कुर्बानी होने के लिए टाइम है, वो होगी शायद 9:30 में कसाई आएगा तो कुर्बानी करेगा, तो अभी थोड़ा शीर कुरमा दही बड़ा खा ले। देख सकते हैं दही बड़ा है, वाइफ ने सुबह सुबह बना दिया है, तो अभी खा लें इसको। फाइनली सरहान पूरी और मटन कलेजी खा रहा है। सरहान कैसा लगा बेटा कलेजी? बहुत टेस्टी है।
और पूरी सॉफ्ट सॉफ्ट है। ओके वेरी गुड, तो पेट भर के खाओ ना, बहुत काम किया ना आज। आते भी ये रहा मटन कलेजी का सालन है और ये हमारे पापा भी खा रहे हैं बैठ के। आयजा भी परेशान करते रहती, हर वक्त परेशान करती है आयजा, क्या करेगी। अच्छा सॉरी सॉरी, खा ले बेटा, अच्छे थे ना, खा के फिर अब्बा के साथ चले आना, मटन बांट के आया ना, ठीक है। आयजा पापा साथ जाएगी? नहीं, नहीं बेटा आप मेरे साथ जाएंगे। तो फ्रेंड्स सरहान पापा के साथ जा रहा है आज मटन डिस्ट्रीब्यूट करने हमारे रिलेशन वालों के घर। ओके बेटा सरहान, बाय बाय, हो क्या हुआ ना, ठीक, चलो अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग सो के उठ चुके हैं, 1.5 आवर नींद हम लोग लिए हैं, बच्चे भी सो गए थे, वाइफ भी मेरी थोड़ा रेस्ट ले ली, मैंने भी रेस्ट लिया 1.5 आवर। तो अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सुबह बहुत थक गए थे कुर्बानी के टाइम, आप लोग समझ सकते हैं कि थकावट हो जाती है। तो बट अभी फ़िलहाल हम लोग बिल्कुल कम्फर्टेबल फील हो रहा है, तो अभी रिफ्रेश हो गए हम लोग नींद लेके। तो रिफ्रेश होने के बाद अभी थोड़ा कुछ हम लोग खा लेंगे, सुबह जो मेरी वाइफ ने आइटम बनाया था सेवई दही बड़ा, हम लोग खाने के बाद हम लोग ससुराल अपने जाने वाले हैं। बट अभी हम लोग बाहर का वेदर देख रहे हैं तो बारिश हो रही है, स्पीड बारिश हो रही है, तो कुछ देर वेट करेंगे बट बारिश बंद हो जाएगी, बंद होने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहे, इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहे और हमें अपना सपोर्ट देते रहे। ओके फ्रेंड्स तो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ये है हमारे घर में जो आज आइटम बना था, मॉर्निंग में सही से दिखा नहीं पाया था आपको, तो अभी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। इसे कहते हैं शेर कुरमा, ये सेवई और दूध का आइटम है, मेवा यूज़ होते हैं इसमें। ये आइटम है दही बड़ा, ये भी शेर कुरमा ही है, अलग से निकाला गया कटोरे में। और ये है आइसक्रीम, बच्चों ने कहा था आइसक्रीम खाने का और कोल्ड ड्रिंक्स है, बच्चों की ज़िद थी तो वो लाया गया था अलग से। घर में दही बड़ा शेर कुरमा मेरी वाइफ ने बनाया है और मेरी बेटी, कैसा है बेटा आयजा, ठीक है, गुड, सरहान गुड। तो गाइज अभी हम लोग इसे खाएंगे, खाने के बाद भी हम लोग अपने ससुराल जाने वाले हैं कुछ देर में। और रात के खाने के इंतजाम आज हमारे पापा के यहाँ है क्योंकि हमारे पापा के यहाँ कुर्बानी हुई थी, मेरे पापा ने कहा कि आज हमारे घर पे ही खाना खा लो, तो पापा के घर में रात में खाना खाना है हमें। तो अभी हम लोग अपने ससुराल तरफ जाएंगे, वहाँ दो चार रिलेशन वालों से मिल लेंगे, तो क्या फाइनली हम लोग घर आएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और हमारी वीडियो को पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग तैयार हो गए, बच्चे भी तैयार हो गए हैं, अभी बारिश अभी रुकी है लमसम 2 घंटे बारिश होने के बाद, और बहुत ज़ोरों की बारिश थी, बहुत स्पीड बारिश थी, बारिश फाइनली बंद हो चुकी है और अब हम लोग अपने ससुराल जा रहे हैं, निकल रहे हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं। तो अभी हम लोग फाइनली अपने ससुराल के लिए जा रहे हैं, वहाँ बच्चे नाना नानी से मिलेंगे, हमारे चाचा ससुर हैं उनके बच्चे हैं, हम लोग उनसे मिलेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, इंशाल्लाह हमारे वीडियोज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और रात को डिनर करने के बाद हम लोग आज अपने व्लॉग्स को कम्प्लीट करेंगे, तो हमारे व्लॉग्स जब आपको मिले तो प्लीज़ हमारे व्लॉग्स पे अपना खूब सारा प्यार दे और हमें सपोर्ट करें, और हमारे वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहे और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छी रहेगी उम्मीद करता हूँ। इंशाल्लाह हम जो भी वीडियो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह यही कोशिश करते हैं कि हम अपने व्यूवर्स से, हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोगों से हम लोग बेहतरीन वीडियो शेयर कर सकें ताकि आप लोग हमारी वीडियो देखें, आप लोग को अच्छा लगे और आप हमें सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, इंशाल्लाह आगे भी व्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो फ्रेंड्स मेरी बेटी आयजा देखिए, बच्ची बहुत थक गई आज, बहुत इसने काम किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत खेली है बच्ची, अभी नानी घर से आते थे रास्ते में सो गई है, तो अभी मेरी बच्ची को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी है, मेरी जान है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बच्ची सो गई है अभी, अभी खाना नहीं खाई मेरी बेटी, मगर इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद उठेगी, इसे हम लोग खिला देंगे। तो अभी हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं, सरहान भाई हमारे वहाँ ड्रेस चेंज कर रहे हैं छुप छुप के, अभी थोड़ा नंगू पंगू है इसलिए वो छुप रहा है, नहीं। चलो चेंज कर लो बेटा आराम से। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग खाना खाएंगे, खाना खा के डिनर करेंगे, वही फाइनली पापा घर में डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद हम लोग फिर रिलैक्स होकर सोएंगे, बहुत थक चुके हैं आज। तो जब फाइनल हम लोग अपना वीडियो क्लोज करेंगे खाना खाने के बाद, तो हमारी वीडियो में आप लोग बने रहे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग रात का डिनर करने बैठ चुके हैं, ये है दालचा और मड्रासी पुलाव, मीन्स वही मटन का पुलाव है, दालचा है और ये है प्याज और दही वाली चटनी है। तो अभी हम लोग बाप बेटे और मेरी बेटी हम लोग खाना खाएंगे, हमारी वाइफ, हम लोग तीनों बैठ के, चारों बैठ के एक साथ खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद
थोड़ी बातें शातें करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग फाइनली सोने के लिए जाएंगे और वहीं हमारा ब्लॉग कंप्लीट होगा। तो खाना खा लेते हैं हम लोग, खाने के बाद आप लोग से मिलते हैं, तो कंटिन्यू हमारे साथ वीडियो पे बने रहे फ्रेंड। तो फाइनली दोस्तों हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है, अब हम सोने जा रहे हैं। आप लोग भी आराम करिए और अल्लाह से दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हम लोगों ने आज फेस्टिवल मनाया बकरीद का, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा। सो गाइस अब आप लोग भी थक गए होंगे, आप लोग भी आराम करें, मैं भी जा रहा हूँ, मेरी फैमिली हम लोग भी आराम करने जा रहे हैं। और बस यही दुआ है और आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस होती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हमारे जो भी पुराने सब्सक्राइबर है वो भी हमें प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें, आप लोगों के सपोर्ट करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें कमेंट्स करते रहें और ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगती है। अगर कोई वीडियो में हमारी कमी होती है तो हमें ज़रूर बताएं, मैसेज करके कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमारी वीडियोस आप लोग कैसी लगती है। इंशाल्लाह ताला कोई कमी है तो आप लोग के सजेशन से हम लोग अपनी वीडियो पे ज़रूर इंप्रूवमेंट लाएंगे, उसमें ज़रूर सुधार लाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और बेहतरीन वीडियो आप लोग के सामने ला सके। सो गाइज अब आप लोग जाइए आराम करिए, मैं भी जा रहा हूँ आराम करने, बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें और हमारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। ओके गाइज बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।